आज के इस वीडियो में हम लोग अपनी पिछली एक्सरसाइज का सॉल्यूशन देखेंगे और लोगों को शाउट आउट देंगे जिन लोगों ने इसको सॉल्व किया है। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में, लेट्स लुक इनटू एक्सरसाइज 7 सॉल्यूशन नाउ। तो गाइस एक्सरसाइज 7 के सॉल्यूशन के साथ आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर एक्सरसाइज 7 थी क्या? सबसे पहले एक्सरसाइज 7 यार बड़ी सिंपल सी चीज़ थी, एक पासवर्ड जनरेटर आप लोग को बनाना था। बाय द वे लिंक ट्राई मत करना, कुछ लोग ये लिंक ट्राई कर रहे थे और कह रहे थे ये 404 मिल रहा है, उनको अरे यार ये मेरे कंप्यूटर का लिंक है, यार मेरे कंप्यूटर में फाइल है ये, आप लोग डाउनलोड कर लेना, ड्राइव का लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में मैंने। एक जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम बनाना है कैपेबल ऑफ जनरेटिंग पासवर्ड जिसमें एट लीस्ट एक लोअर केस, एक अपर केस और एक स्पेशल कैरेक्टर हो, ठीक है। तो मैंने आप लोग को एक थोड़ा सा चैलेंज में मसाला डाल दिया था, मैंने कहा था कि भाई पासवर्ड क्लास का इस्तेमाल करना है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम यहाँ script.js में आएंगे। मैं सिंपली यहाँ पर लिखूँगा क्लास पासवर्ड, ठीक है, और इसके अंदर मैं सिंपली क्या करूँगा, एक कंस्ट्रक्टर बना लेता हूँ, ठीक है, और मैं console.log वेलकम टू पासवर्ड जनरेटर, ठीक है, यहाँ पर मैं लिखूँगा लेट पी इज इक्वल टू न्यू पासवर्ड, ठीक है, और ये करने पर मुझे कंसोल में दिखना चाहिए वेलकम टू पासवर्ड जनरेटर, सिंपल सी चीज़, ठीक है, और वो मुझे यहाँ पर दिख भी रहा है, ठीक है, आप देखो यहाँ पर वेलकम टू पासवर्ड जनरेटर मुझे दिख भी रहा है। अब मुझे क्या करना है कि एक जनरेट पासवर्ड मेथड लिखना है, तो मैं जनरेट पासवर्ड नाम का एक मेथड लिखूँगा जो कि क्या करेगा, तीन तरह के कैरेक्टर्स में से पासवर्ड उठाएगा, ठीक है, एक तो वो ले लेगा मेरे कुछ लेट से नंबर्स, कुछ ले लेगा अल्फ़ाबेट्स, कुछ ले लेगा स्पेशल कैरेक्टर्स, ठीक है, और एटलीस्ट वन तीनों होने चाहिए, ठीक है। तो बहुत सारे तरीके हैं इस काम को करने का, आप स्ट्रॉन्गेस्ट से स्ट्रॉन्गेस्ट पासवर्ड बना सकते हो, वीकेस्ट से वीकेस्ट पासवर्ड बना सकते हो। मान लो मैं यहाँ पर एक लेंथ देना चाहता हूँ अपने पासवर्ड को, मान लो मैं 5 कैरेक्टर्स का पासवर्ड जो है वो बनाना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि यार अगर लेंथ इज लेस देन और इक्वल टू 3, लेस देन 3 करते हैं, इक्वल टू तो हो सकता है 3 के, आप यहाँ पर सिंपली क्या करोगे, कंसोल डॉट लॉग कर दोगे योर पासवर्ड शुड बी एट लीस्ट 3 कैरेक्टर्स लॉन्ग, ठीक है, ये आप लोग जो है कंसोल लॉग कंसोल पे प्रिंट कर दोगे। वरना आप लोग क्या करोगे, वरना आप लोग सिंपली कहोगे कि यार आप प्रोसीड करोगे पासवर्ड जनरेट करने पर, आप पासवर्ड को जनरेट करोगे। अब देखो एक काम को करने के कई तरीके हो सकते हैं और एक सबसे ज़्यादा एफिशिएंट तरीका भी होता है, बट अभी मेरा दिमाग जितना काम करेगा मैं वो लॉजिक यहाँ पर बनाने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, तीन तरह के मैं वेरिएबल्स बनाऊँगा, एक तो मैं बनाऊँगा लेट कैरेक्टर्स जिसका नाम मैं कैर्स रखूँगा और मैं ए से लेकर जेड तक ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड, ठीक है, ये मैंने लिख दिया यहाँ पर। अब मैं क्या करूँगा, लिखूँगा लेट नंबर्स इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, और 0 भी लिख दूँगा इसमें, ठीक है, ये मेरे नंबर्स हो गए। और इसके बाद कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स, मुझे पता है कि मैं सारे स्पेशल कैरेक्टर्स को नहीं ले पाऊँगा, बट ले लेते हैं आज जितने भी हमारे पास आते हैं, ठीक है, सारे स्पेशल कैरेक्टर्स को ले लेते हैं जितने भी दिमाग में आते हैं, ठीक है, मैंने 2 बार डाल दिया है एम्परसेंड, आई नो दैट, लेट मी रिमूव इट, ठीक है, बढ़िया, ये भी मैंने 2 बार डाल दिया, चलो ये हो गया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा कि कुछ कैरेक्टर्स इनमें से उठाऊँगा, फिर नंबर से उठाऊँगा, फिर स्पेशल से उठाऊँगा, ठीक है। मैं क्या करूँगा, यहाँ पर लिखूँगा कि फॉर, और मैं लिखूँगा लेट आई इज़ इक्वल टू 0, आई इज़ लेस देन लेन, आई प्लस प्लस, और मैं क्या करूँगा एक एक करके उठाऊँगा जो अपने कैरेक्टर्स हैं कहाँ से, सबसे पहले उठाऊँगा कैट से, फिर नम से, और फिर इसके बाद स्पेशल से, ठीक है। तो मैं काम करता हूँ यार, मैं वाइल लूप का इस्तेमाल करूँगा, मैं फॉर लूप का नहीं करूँगा, सॉरी अबाउट दैट, मैं वाइल का इस्तेमाल करूँगा, मैं लिखूँगा वाइल आई इज़ लेस देन लेन, ठीक है, और मैं यहाँ पर लेट आई इज़ इक्वल टू 0 भी करूँगा। मैं ये लॉजिक डायनामिकली बना रहा हूँ, जैसे मेरा दिमाग चल रहा है वैसे बना रहा हूँ, आई नो दिस माई नॉट बी द बेस्ट वे टू डू इट, और आप में से कई लोगों ने इससे अच्छा किया होगा, बट जितना मेरा दिमाग काम कर रहा है मैं वैसे करके बना रहा हूँ। एंड वाइल आई इज़ लेस देन लेन, और मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि जो मेरा पासवर्ड है उसमें मैं दिस डॉट पास कर दूँगा, दिस डॉट पास प्लस इज इक्वल, और जब मैं कंस्ट्रक्टर बना रहा हूँ तो मैं एक काम करता हूँ, दिस डॉट पास इज इक्वल टू एक ब्लैंक कर देता हूँ, मैं यहाँ पर सिंपली करूँगा दिस डॉट पास प्लस इज इक्वल टू, और मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि कैरेक्टर्स में से मैं ले लूँगा कोई सा भी एक कैरेक्टर ले लूँगा, मैं यहाँ पर लिखूँगा कैट्स, इसके बाद मैं लिखूँगा कैट्स डॉट लेंथ,
और मैं अपन मैट डॉट रैंडम का इनफैक्ट इस्तेमाल करूँगा, मैं कहूँगा मैट डॉट फ्लोर और मैं लिखूँगा मैट डॉट रैंडम, और यहाँ पर मैं सिंपली लिख दूंगा मल्टीप्लाई बाय, मैं यहाँ पर लिख दूंगा कैर्स डॉट लेंथ, मैट डॉट रैंडम मल्टीप्लाई बाय कैर्स डॉट लेंथ इनफैक्ट, ठीक है। तो आई होप कि ये काम करेगा, ठीक है। मेरे सारे ब्रैकेट्स क्लोज्ड हैं क्या? हाँ मेरे सारे ब्रैकेट्स क्लोज्ड हैं, मैं सेव करके देखता हूँ। और यहाँ पर क्या होगा कि एक कैरेक्टर मुझे कैट से मिल जाएगा, ठीक है। और सेम चीज़ मैं करने वाला हूँ अपने नंबर्स के साथ, और मैं यहाँ पर लिखूँगा नम्स नंबर्स एक्चुअली, और यहाँ पर स्पेशल। अब यार मैं सिंपली यहाँ पर बहुत ही सिंपल सी चीज़ कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ कि एक कैरेक्टर उठा रहा हूँ कैट्स में से, एक कैरेक्टर उठा रहा हूँ नम्स में से, एक कैरेक्टर उठा रहा हूँ स्पेशल में से, ठीक है। और मैं यहाँ पर आई प्लस इज इक्वल टू 3 करूँगा, क्योंकि मुझे बनाना है पासवर्ड उतनी ही लेंथ का जितनी लेंथ यहाँ पर मेरी ये दी हुई है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, लिखूँगा पी डॉट जनरेट पासवर्ड, ठीक है। पी डॉट जनरेट पासवर्ड मैं यहाँ पर कर दूंगा, और मान लो मैं 7 की लेंथ देता हूँ, ठीक है। और मैं काम और करता हूँ, यहाँ पर मैं रिटर्न करूँगा अपना पासवर्ड, ठीक है। मैं रिटर्न करूँगा दिस डॉट पास को, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा कंसोल डॉट लॉग पी डॉट जनरेट पास 7, तो 7 डिजिट का एक पासवर्ड, 7 कैरेक्टर्स का इनफैक्ट एक पासवर्ड मुझे मिलना चाहिए। रिलोड करता हूँ इस पेज को, कहाँ पर ब्रैकेट नहीं लगाया मैंने, कहाँ नहीं लगाया ब्रैकेट, लाइन नंबर 27। ओके, तो एक्चुअली सेव नहीं किया लगता है मैंने, मैंने सेव नहीं किया क्या? पी डॉट जनरेट पासवर्ड 7, सेव नहीं किया शायद। हाँ तो ये देखो, ये मेरा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 का पासवर्ड बन गया। एक मिनट मैं देखता हूँ यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है। आई इज़ लेस देन लेन मैंने किया, यहाँ पर लेन मेरी होगी यहाँ पर 7, ठीक है। तो 7 मैं करूँगा 0 से लेके 6 तक जाएगा। एक्चुअली एक प्रॉब्लम आ गई यहाँ पर, पता है क्या, कि तीन तीन के मल्टीपल में बनेगा मेरा जो लेंथ होगी मेरे पासवर्ड की, वो 3 के मल्टीपल में ही हो सकती है, क्योंकि एक बार व्हाइल लूप के अंदर घुस गया वो तो 3 कैरेक्टर ऐड करके ही मानेगा। तो यार इसको सॉल्व करने का एक बहुत ही सिंपल सा तरीका है, ठीक है। आप क्या करो कि दिस डॉट पास इज इक्वल टू दिस डॉट पास डॉट सब एस टी आर कर दो, और आप सब एस टी आर को यूज़ कर सकते हो फ्रॉम, मान लो आप कर दो 0, और इसके बाद आप लेंथ दे दो, जैसे कि मान लो मैं 7 देता हूँ, या फिर मैं 7 क्यों दूंगा यार, मैं एल ई एन दूंगा लेंथ, ठीक है। तो ये कर देगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 कैरेक्टर्स का इसने कर दिया 0 to len मैंने इसको किया, तो ऐसा इसने क्यों किया, मैंने दिस डॉट पास इज इक्वल टू दिस डॉट पास 1 2 3 4 5 6 7, अब सही हो गया। देखो 7 कैरेक्टर्स का पासवर्ड मैंने जनरेट कर लिया, तो ये मेरा रैंडम पासवर्ड जनरेटर मैंने बना दिया। मैं 17 कैरेक्टर्स का चाहूँ तो 17 कैरेक्टर्स का एक रैंडम पासवर्ड जनरेटर जो है वो मैं बना दूंगा। अब देखो क्या होता है ना कि जब भी आप इस तरह की कोई चीज़ बनाते हो तो इसकी उतनी ज़्यादा कंप्यूटेशन कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होती है, ठीक है। ऑब्वियसली अगर मैं बल्क में पासवर्ड जनरेट कर रहा हूँ तो मैं सोचूंगा इस बारे में, बट मैं अगर 1 2 5 6 और एक छोटी एप्लीकेशन में ये कर रहा हूँ जो कि क्लाइंट साइड पर ही रन होनी है, अपने अपने कंप्यूटर में लोगों के रन होनी है, तो मैं ज़्यादा उस चीज़ पर जो है फोकस नहीं करूँगा। और मेरे हिसाब से ये प्रोग्राम काफ़ी ऑप्टिमाइज्ड है, हमने चेक करा लेंथ जो है 3 से छोटी अगर आप बनाने की कोशिश करोगे, जैसे मान लो मैं एक कैरेक्टर का पासवर्ड जनरेट करना चाह रहा हूँ, तो वो कहेगा कि भाई एक कैरेक्टर का पासवर्ड मत रखो, यहाँ पर लिख कर आ रहा है योर पासवर्ड शुड बी एटलीस्ट 3 कैरेक्टर्स लॉन्ग, ठीक है। और यहाँ पर अनडिफाइंड आया क्योंकि दिस डॉट पास जो है वो नहीं हो पाया जनरेट, इसने कुछ रिटर्न नहीं किया, ठीक है। तो ये चीज़ जो है आप लोग इस तरह से कर सकते हो। तो ये था मेरा क्वेश्चन, मैंने पासवर्ड क्लास आप लोगों को बनवाई। अब इसमें भी बहुत सारे मेथड्स आप लोग जो है चेंज पासवर्ड नाम का कर सकते हो, आप जनरेट वीक पासवर्ड कर सकते हो, जो कि मतलब कई चीज़ें कर सकते हो यार, ठीक है, स्काई इज़ द लिमिट। अब यहाँ पर मैं इस रैपल में देखूंगा कि किस किसने एक्सरसाइज 7 को सॉल्व किया, ठीक है, और उन लोगों को मिलेगा शाउट आउट। और बहुत सारे लोग यार बुरा मानते हैं कि मैं उनको शाउट आउट नहीं दे पाता हूँ, तो यार मैं आप लोगों को क्या बताऊँ, क्या बताऊँ यार, मैं कोशिश करता हूँ पूरी यार, मैं इस बार भी कोशिश करूँगा कि जिन्होंने पहले रैपल बनाई है फर्स्ट 3 फर्स्ट 5 को मैं शाउट आउट ज़रूर दूँ, ठीक है। पूरी कोशिश रहेगी यार, पूरी कोशिश रहेगी। कमेंट्स लोड हो रहे हैं, और अगर मैंने आपको शाउट आउट नहीं भी दिया ना, आपकी रैपल अमेजिंग है, आप अपने आप पर देखो, जब कोई अमेजिंग चीज़ बनती है ना हमसे, तो हमें पता होता है कि भाई ये कुछ अच्छा बन गया है, ठीक है, पता होता है हमको, जो एक अच्छी वेबसाइट बनाता है ना इंसान, उसको पता होता है कि यार मैंने कुछ खतरनाक बना दिया है, ठीक है। तो आपसे वो चीज़ कोई छीन के नहीं ले जा सकता, आपने एक अच्छी चीज़ बनाई है तो बनाई है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अगर मैं आपको शाउट आउट दूंगा तभी आपकी अच्छी चीज़ अच्छी है,
ठीक है, तो वो कॉन्फिडेंस आपको रखना है, ठीक है। और अपनी अपनी रैपर्स जो है आप अपने दोस्तों को भी बेचो, देखो वो भी ज़रूरी है, उससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है, ठीक है। आप दिखाओगे किसी को कि यार देखो मैंने ये बनाया, फिर उसको उसके बाद आपको तारीफ़ें सुनने को मिल रही हैं। अगर आपकी कोई बुराई करता है कि यार ये बड़ी घटिया रैपर बनाइए, 10 और लोगों को भेजो, 10 लोग भी बुराई करते हैं उसकी, और 10 को भेजो अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है। अगर सभी बुराई करते हैं तो ऑब्वियसली बुरी है यार आपकी रैपर, देखो क्या बुरा है, उनका जो है फीडबैक लो। ये सारे लोगों को मैं शाउट आउट देने वाला हूँ, ठीक है। टॉप 5 मैंने उठा लिए हैं, तो सबसे पहला यहाँ पर जो है वरदान द प्रोग्रामर का है। देखो मैं रन नहीं कर रहा हूँ रैपल, पहले ही शाउट आउट दे रहा हूँ वरदान द प्रोग्रामर को कि यार इन्होंने कम से कम बनाया तो सही, ये आए तो सही इसमें, ठीक है। ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। किसी ने लिखा है ब्रो डोंट यूज़ अलर्ट, देखो यार ऐसा कुछ नहीं है कि डोंट यूज़ अलर्ट, डू यू वॉन्ट अ फनी पासवर्ड, ओके वेलकम, योर पासवर्ड इज़ कैंट्री मेंबर, ठीक है बढ़िया, मास्टर पासवर्ड। देखो इन्होंने अच्छा अच्छा बनाया प्रोग्राम, इन्होंने एक अच्छा यूआई दिया, मैंने यूआई भी नहीं दिया है, ठीक है। मैंने लॉजिक लॉजिक बताया बस, क्योंकि मुझे पता है कि यूआई आप लोग बना लोगे। अब यार शुभम वन झा ने कहा है कि अलर्ट यूज़ मत करो, कहीं ना कहीं सही कहा है इन्होंने, गलत नहीं कहा, अलर्ट ब्लॉकिंग होता है, नहीं करना चाहिए यूज़, बट ठीक है यार वी जस्ट प्रैक्टिसिंग, हमें लॉजिक से मतलब है, अभी अभी अलर्ट चलेगा हमको, ठीक है बढ़िया है। और ये कन्फर्म यूज़ किया है बाय द वे शुभम झा, ये अलर्ट यूज़ भी नहीं किया है, ठीक है कन्फर्म यूज़ किया है। इसको करने के कई तरीके होते हैं, बट यार ये चलता है, अगर आपको यूज़र से पूछना है कुछ तो यूज़ कर सकते हो। ओ माय गॉड ये क्या पासवर्ड जनरेटर बना दिया भाई, भाई ये कुछ खतरनाक बना दिया है आपने, क्या नाम है इनका, अरे इनका नाम नाम बिना ही हेमल हल्दार, ये कुछ खतरनाक चीज़ बना दी है आपने, मैं हिल चुका हूँ इसको देख कर, ठीक है कंडेंस ना, अरे भाई साहब, अरे भाई साहब, मान लो मैं लोअर केस लेटर्स भी नहीं, मान लो मैं सिम्बल्स भी हटा देता हूँ, अरे भाई साहब कुछ बनाया है यार, मैं इसका ना लॉजिक देखूँगा, हेमंत हल्दार की रैपल का लॉजिक देखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा भाई। अब यार किसी को अगर लग रहा है कि मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, मैं व्यू पेज सोर्स ही कर सकता हूँ डायरेक्टली, इन्होंने एक फॉर्म बनाया है, ठीक है। एक फॉर्म बनाने के बाद इनकी जो script.js है उसमें इन्होंने काफ़ी मेहनत करी है, ठीक है, बट कहीं ना कहीं इन्होंने वही किया है, बट क्या इन्होंने एक पासवर्ड क्लास बनाई है, नहीं। अब देखो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, जो आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट है आप उससे डाइवर्ट हो गए, आप कुछ और अच्छा बनाने लगे, मतलब आपसे कहा गया कि एक अच्छी बिल्डिंग बना दो, आप जो है एक अच्छी पेंटिंग बना के दिखा रहे हो और आर्ग्यू कर रहे हो कि यार ये पेंटिंग इतनी अच्छी है, ठीक है। देखो मैं आई एम नॉट टेकिंग अवे एनीथिंग फ्रॉम, ये बहुत बढ़िया है, ठीक है, बस मैं आपको बता रहा हूँ, इंटरव्यूज़ देने जाओगे आप कभी भी जाओगे, किसी भी तरह का इंटरव्यू जॉब के लिए या फिर PhD के लिए, ये चीज़ होगी और सामने वाला जो है खुश नहीं रहता इस इन चीज़ों से, मैं तो अप्रिशिएट कर रहा हूँ इसको, बट मैं बस आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आपने इस तरह की चीज़ दी किसी को, तो उसका पहला क्वेश्चन ये होगा कि मैंने बोला था कि भाई पासवर्ड क्लास यूज़ करनी है, तो वो एज्यूम कर लेगा कि आपको क्लासेस का कॉन्सेप्ट नहीं आता। अब आप कहोगे मुझे आता है, वो कहेगा आपने बनाया क्यों नहीं, आप बोलोगे मैं बता देता हूँ कैसे बना, वो कहेगा मैंने आपको एक मौका दे दिया, आई एम डन नाउ, ठीक है। तो कभी कभी अननोइंगली आपसे गलती हो जाएगी, आप कहोगे यार मैंने, फिर आप कहोगे यार मैंने इतनी अच्छी ऐप बनाई, मैंने कॉपी वॉपी सब कुछ दिया है यहाँ पर, पासवर्ड क्लिपबोर्ड में भी कॉपी हो रहा है मेरा, तो अगले का तो कॉपी भी नहीं हो रहा, अगले का तो यूआई भी नहीं है, उसने बस उसने प्रॉब्लम पड़ी और उसने सही से सॉल्व किया, ठीक है। अब आपको ये रेंट की तरह लगेगा मेरा, मैं शाउट आउट दे रहा हूँ हेमल हल्दार की मेहनत को अप्रिशिएट कर रहा हूँ, बस मैं एक पॉइंट रखना चाहता था अपना, ठीक है। जो गलती होती है अननोइंगली लोगों से, प्रॉब्लम स्टेटमेंट से मत भटकना, ठीक है। मुझे मैं अगर यहाँ पर कंट्रोल एस क्लास करूँ तो मुझे क्लास नहीं दिख रही यहाँ पर, ठीक है, विच इज़ अ प्रॉब्लम, ठीक है। खैर कोई बात नहीं, मुझे पता है कि ये आपने जो ये बनाया है यूआई, मुझे पता है कि क्लास यूज़ करने का पॉइंट भी नहीं था इसमें, बिना क्लास के हो जाता है ये, बट प्रॉब्लम स्टेटमेंट कह रहा है यार कि क्लास को यूज़ करना है, क्लास को नहीं क्लास को यूज़ करना है, ठीक है। तो समझ गया हो कि आप मेरा जो पॉइंट है उस पर फोकस करोगे, वेबसाइट बहुत बढ़िया है, ठीक है, बहुत बढ़िया यूआई, एंड कीप इट अप यार, ठीक है। देखो ये है, ये भी बहुत बढ़िया है, सैन विश्वास, आई वॉन्ट टू सी द फाइल्स फर्स्ट, क्योंकि क्या होता है ना, जब 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 मुझे 50 में से 1 सेलेक्ट करना है या फिर 100 में से 1 सेलेक्ट करना है, तो मैं ये देखूंगा कि यार प्रॉब्लम स्टेटमेंट किसने पढ़ा था सही से, इन्होंने भी नहीं पढ़ा प्रॉब्लम स्टेटमेंट, आप देख रहे हो क्लास नहीं, इन्होंने पढ़ा यार, आई एम सॉरी मैंने नहीं पढ़ा इनका आंसर, ठीक है। इन्होंने इन्होंने करा है, देखो ऊपर टॉप पे क्लास पासवर्ड है, इन्होंने पढ़ा है प्रॉब्लम स्टेटमेंट, देखो। तो कहीं ना कहीं यूआई इनका भी अच्छा है, अगर अगर मान लो हेमंत दार और स्वयं विश्वास में से एक मुझे सेलेक्ट करना है, तो कहीं ना कहीं शायद स्वयं विश्वास सेलेक्ट हो जाएँ, क्यों हो जाएंगे, क्योंकि यार इन्होंने प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ा है, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ठीक है, फिर ये होगा कि यार मेरा पासवर्ड ऐसा, उसका पासवर्ड ऐसा, मेरे में तो कर्सर पॉइंटर था, इनके में नहीं था। अब देखो यहाँ पर वीक पासवर्ड, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, सुपर स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, चलो सुपर स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जनरेट करते हैं, कॉपी करता हूँ, क्या ये कॉपी हुआ, हाँ हुआ कॉपी, बढ़िया यार, अमेजिंग।
ऑसम यार, मतलब लोग कितना बढ़िया कितना अच्छा बना रहे हैं यार, मतलब मैं सच्ची में बहुत ज़्यादा खुश हूँ इस चीज़ को लेकर। अमेजिंग यार अमेजिंग। रैंडम पासवर्ड जनरेटर पे आते हैं यहाँ पर। दिस रैपल इज़ अ सॉल्यूशन ऑफ कोड विद हरी एक्साइज सेवन। अमेजिंग मैन क्लेवर हरे, ठीक है। क्लेवर हरे को एक बड़ा शाउट आउट इस बात का कि यार ये काफ़ी सारी एक्साइजेस को सॉल्व करते हुए आ रहे हैं, ठीक है। इनका नाम मुझे याद हो गया है, ठीक है। तो सौम्यजीत नाम है, क्लेवर हरे इनका हैंडल है। बट यार ये आपकी जो वेबसाइट है ये क्या कर रही है, चल क्यों नहीं रही है? लेकिन इनको मैं शाउट आउट दे रहा हूँ कि यार बंदा लगा हुआ है, मतलब कि सारे एक्सरसाइज के सॉल्यूशन सबमिट कर रहा है और सारी वीडियोस देख रहा है, मेहनत कर रहा है लाइफ में अपनी, जो कि बहुत ज़्यादा अप्रिशिएबल है यार, ठीक है। अब यहाँ पर एडिट सम मोर फंक्शनैलिटी, एक अपडेट शेयर किया, एडिट सम अपडेट्स दैट कोड विद सजेस्टेड मेड इट मोर यूज़र फ्रेंडली, होप एवरीबॉडी विल लाइक इट। यार ये चल क्यों नहीं रही रैपल? आई एम श्योर कि आपने कुछ ना कुछ अच्छा ही बनाया है, और ये रैपल आई डोंट नो वाई ये क्यों नहीं चल रही है। मेरी सीधा फाइल्स यार क्यों नहीं चल रही है? शायद कोई इशू हो। इरिस्पेक्टिव ऑफ वर्ड, यार ये रैपल अभी मेरे लिए काम नहीं कर रही है, नहीं कर रही है यार, सॉरी कर रही है। हे फॉलो द इनपुट प्लेस और इंस्ट्रक्शन जनरेट पासवर्ड अकॉर्डिंगली, लाइक टाइपिंग सुपर विथ जनरेट विल जनरेट सुपर स्ट्रॉन्ग पासवर्ड स्ट्रॉन्ग फॉर। चलो ठीक है, मैं यहाँ पर सुपर करूँगा जनरेट। इनवैलिड क्राइटेरिया यार, आपने यहाँ पर लिखा हुआ है कैपिटल में, कैपिटल SUPER, और मैं वो टाइप कर रहा हूँ तो आप मुझे करने नहीं दे रहे हो। स्मॉल में करते ना टाइप। हाँ आपने कोड में लिखा हुआ है कैपिटल स्मॉल एस, और यहाँ पर आपने कैपिटल सुपर कैपिटल ईजी लिख दिया, तो मुझे लोअर केस में लिखना है सब कुछ, ठीक है। ईजी स्ट्रॉन्ग भी ट्राई कर लेते हैं एक बार। अमेजिंग यार मैन अमेजिंग, दिस इज़ ग्रेट यार, ठीक है। ये मेरा पासवर्ड जो है वो कॉपी हो गया, बहुत बढ़िया। क्लेवर हरे भाई बहुत बढ़िया। LN L4, मैं मुझे नाम अगर मिल जाए इनका तो मैं इनको शाउट आउट दूंगा नाम से, यार नाम से शाउट आउट देने का एक अलग ही मज़ा होता है। रैपल सो रही थी, अभी नींद से जाग रही है इनकी रैपल, जाग जाएगी अभी 1 मिनट बाद। अब यहाँ पर आप देखो LNX नाम है इनका, इनको बड़ा शाउट आउट, इनकी रैपल ऑलमोस्ट जाग चुकी है। हम वेट करेंगे इनकी रैपल के जागने का। तो बढ़िया है, इनकी रैपल जो है वो चल गई है। हैरी बाई टू डू तो देखनी ही पड़ेगी, ये इनका रिवेंज प्रोजेक्ट है यार, टू डू वाला रिवेंज लिया इन्होंने मेरे साथ। चलो भाई मैं हार गया, आपकी टू डू मैंने देख ली, और बताओ भाई, और दिल से अच्छा लगता है यार। मैंने बताया ना मैं सारी रैपल नहीं देख पाता यार, बट मैं कोशिश करता हूँ सब देखने की, और मैं यार यहाँ पे टू डू देखूंगा भाई की, ठीक है। LN LNX भाई टू डू देखनी पड़ेगी और यूज़ करूँगा, इसमें नोट डालूंगा अपना, बाय बाय भिंडी, ठीक है, ऐड नोट किया मैंने। और वाओ यार इनकी 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 जो ये है प्रोजेक्ट है वो इतना बढ़िया है कि इसका अलग ही फील आ रहा है। पर्पल कलर मुझे काफ़ी पसंद है पर्सनली, ठीक है, ज़रूरी नहीं है सबको पसंद हो। और इनका जो एडिट का तरीका है वो भी काफ़ी बढ़िया मुझे लगा। सेव बाय भिंडी नाइसली एडिट, आप अपर केस में क्यों चेंज कर रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा सब कुछ, बट वॉट एवर, ठीक है। क्योंकि कभी कभी मैं अगर इसमें कोई कोड सेव करना चाहता हूँ नोट के तौर पर तो वो भी अपर केस में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर वो चलेगा नहीं, तो ये चीज़ आपको देखनी है, मेरा फीडबैक है। डिलीट नोट पर गायब भी हो गया, शायद आप एक कन्फर्म लगा सकते थे या फिर आर यू श्योर, बट ठीक है यार, बाकी बढ़िया है यार। डार्क मोड भी लगा रखा है और बहुत बढ़िया है, ठीक है। और ये जो है काफ़ी बढ़िया आपका ब्लूबेरी कीप है, और आप इस रैपल को दोबारा से ये हटाकर एक अच्छा सा इसको टाइटल दो, ताकि कोई भी आपकी रैपल पर आए फ्यूचर में तो उसको भी मज़ा आए यार इसको देखने में, ठीक है। काफ़ी बढ़िया है यार, बड़ा शाउट आउट LNX को, एक तो ये वाली ऐप ये वाले प्रोजेक्ट के लिए शाउट आउट, और एक जो है टू डू ऐप में जो इनका नाम नहीं लिया गया था, पेंडिंग शाउट आउट इनका, ठीक है। तो दोनों शाउट आउट मैं इनको देना चाहता हूँ। और आप यार ये पासवर्ड जनरेटर वाला भी बनाओ प्रोजेक्ट, मैं पर्सनली देखना चाहता हूँ आपका ये प्रोजेक्ट, ठीक है। तो ये बनाकर अगली एक्सरसाइज के सॉल्यूशन में डालो रिवेंज लिख के, ठीक है, ऐसे ही पासवर्ड जनरेटर रिवेंज करके, ठीक है। चलो जी बढ़िया, अभी अगर आपने एक्सरसाइज किसी ने भी सॉल्व नहीं करी है तो करना, सारी एक्सरसाइज सॉल्व करो, क्योंकि बहुत सारे लोग मैं देख रहा हूँ एक्सरसाइजेस स्किप कर रहे हैं, वो अच्छी बात नहीं है। आप लोग करो एक्सरसाइज सॉल्व, धीरे धीरे ही करो। और अगर आपने प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी है तो यहाँ क्लिक करके बुक मार्क इसे करें, और यहाँ क्लिक करके इसको सेव करें, और देखो कितना बढ़िया UI ले आया यूट्यूब। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।